हेलो, कैसे हैं आप लोग। प्रीति डायरीज में आप लोग को मैं प्रीतिजा बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दिन है थर्सडे और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं मेरे बेटे के साथ जा रही हूँ मार्केट, वो भी इतनी धूप में। जी हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है जाना। शाम में टप्पू की मैम पढ़ाने आ जाती है, वो ट्यूशन पढ़ने लगता है, तो मैं उस टाइम में जा नहीं सकती हूँ। तो मैं इसी टाइम में जा रही हूँ। नवरात्रि के लिए कुछ पूजा का सामान लेना है, जो कि बहुत ज़रूरी सामान है, तो जाना तो है। परसों से नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, कल तो पूरा दिन पूजा पाठ का तैयारी में ही लगी रहूँगी। इसीलिए मैं मार्केट का जो भी काम है मैं वो आज ही कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। टप्पू क्या कर रहे हो? आँख लगा रहे हैं। मैं लगा देती हूँ। मैं और मेरा बेटा दोनों बाज़ार जा रहे हैं। मैं मार्केट का कुछ आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं एक हाथ से टप्पू को पकड़ी हुई रहूँगी, दूसरे हाथ में थैला रहेगा, तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं आकर आप लोगों से फिर मिलती हूँ। मार्केट से आते ही मैं घी बनाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले ही फ्रीजर से निकाल कर गई थी, तो इसीलिए मैं पहले घी बनाऊंगी। मैं मलाई को हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ और घी निकालने से 1 घंटा पहले उसे बाहर निकाल देती हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं कितना सॉलिड है, लेकिन देखिएगा किस तरह से ये बिल्कुल ही कितना जल्दी बन जाएगा। मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है, फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी डाले। आप चाहे तो इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ठंडा पानी डाला है और आप देख रहे हैं कि ये कितना सॉलिड है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। ठंडा पानी डालकर इसको गोल 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 चलाते रहना है, चम्मच से या कोई भी चीज़ से आप चला सकती हैं। बिल्कुल एक ही तरफ गोल गोल घुमाते रहना है। थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ज़रूरत के अनुसार मैं डालती जा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग कि ये किस तरह से दूध सेपरेट हो रहा है और मक्खन बन रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए, तो बहुत जल्दी ही मक्खन निकल जाता है। 5 से 7 मिनट तक मैंने उसे हिलाकर मिलाकर मक्खन बना लिया है। अब मैं मक्खन को अच्छी तरह से निकाल लूँगी एक बर्तन में। मैंने दूध से मक्खन को अलग कर लिया है एक बर्तन में। आप चाहे तो इस दूध से पनीर भी बना सकते हैं। मैं कभी वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, अभी तो मैं सिर्फ घी बनाऊंगी, वो आप लोग देख लीजिए। ये कितना अच्छा बन चुका है मक्खन। मक्खन और दूध बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं एक पैन को गर्म करूंगी और उसमें ये मक्खन मैं डाल दूंगी। मक्खन डालते ही चम्मच से चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। धीमी आंच करने के बाद हम लोग को लगता है कि ये नीचे नहीं बैठेगा और हम लोग दूसरे काम करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चम्मच से चलाते रहना है, ताकि घी बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठे और बहुत ही अच्छा घी बनकर तैयार। तो आप लोग देखिए, सिर्फ 15 दिन के मलाई से मेरा 1 लीटर के करीब घी बनकर तैयार हो चुका है।
तो मैंने घी तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप लोग 10 से 15 मिनट इसे मैंने धीमे आंच पर गैस पर चढ़ाकर रखा था। अब ठंडा हो गया है तो मैं उसे एक बर्तन में डालकर आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना जल्दी घी बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट से आ गई हूँ, सामान मैं आप लोग को बाद में दिखा दूँगी। तो अगर जो आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।